सोलन पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्र विरोधी है तथा विकास विरोधी तथा लोकतंत्र विरोधी भी है। उन्होंने कहा कि अब मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है। पहले मोदी देश से सवाल पूछते थे, लेकिन अब देश उनसे सवाल पूछ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की स्टार्टअप व स्टैंडअप योजनाएं सहित जनधन योजना को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर हिमाचल सहित 3 राज्यों ने केंद्र सरकार से राहत का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पहाड़ी राज्यों को दिया गया विशेष पैकेज छीन लिया है। उन्होंने कहा कि सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाया नहीं गया, जिसकी वजह से सेब व्यापारियों को भारी धक्का पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी से भी लोग परेशान हैं तथा भाजपा विकास, अर्थव्यवस्था और नौजवान विरोधी है। डिमोनिटाइजेशन से बहुत गिरावट आई है और जीएसटी ने कोर में खाच का काम किया है। पूरी अर्थव्यवस्था तिलमिला रही है इस समय। छोटे लघु व्यापारी, लघु दुकानदार, छोटे उद्यमी सब बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं। उनके घर कारोबार चौपट हो गए हैं। तो ऐसी जनता स्वाभाविक रूप से उनको दंडित करेगी जिनके कारण ये स्थिति पैदा हुई है। परिवारवाद की बात करने का हक किसी को हो, मगर भाजपा को नहीं है। हिमाचल में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यहां भी परिवारवाद को भाजपा ने प्रश्रय दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से उनके नेताओं ने अपने परिवार के लोगों को आगे उतारा है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर,